हाँ जी सर, आपने ना लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर बच्चे के माइनर चोट लगी है तो हमने कम अटेंड करना है या अटेंड नहीं करना है, ठीक है? तो मेरे बेटे के चोट लगी स्कूल में 11 बजे 12 बजे के आसपास, तो वो मेरे पास आई अराउंड 2 o'clock, तो कहती मम्मा मुझे चोट लगी है ऐसे, तो मैंने कहा नहीं नहीं ठीक हो आप, ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, बस चोट आपकी ठीक है। मैंने ज्यादा उसको अटेंड नहीं किया। उसने फिर बोला मुझे 3 o'clock, मम्मा ऐसे मेरी चोट लगी स्कूल में। मैंने कहा नहीं बेटा आप ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर 6 बजे उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा नहीं आप ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो 7 o'clock फिर उसने मुझे बहुत ज्यादा ऐसे कहा, वो रोने लग पड़ी। तो बच्चा मतलब ऐसे फील करता है जब आप उसको अटेंड नहीं करते हो, तो उस टाइम पे क्या करना है? जब माइनर चोट पे आप उसको अटेंड नहीं करोगे तो बच्चा फील करेगा, फिर क्या करना चाहिए? मैम ये बात हो चुकी है, ये कारण आपने, आपके बच्चा 9 साल का है, ये देखिए इधर कि यहाँ पर आपके बच्चे का जन्म हुआ, ठीक, यहाँ से 9 साल तक उसको जब भी इन 9 सालों में जिस दिन भी चोट लगती थी तो उसको सपोर्ट मिलती थी, चोट लगती थी सपोर्ट मिलती थी, हो सकता है सपोर्ट ज्यादा मिल रही हो, ठीक है, तो इमोशनल वो जो सपोर्ट मिल रही है, अब 9 साल में उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, लर्निंग हो चुकी है कि जब भी मेरे मेरे को चोट लगेगी, मेरी मम्मा या मेरे पापा जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन हो गई। तो अब क्या हुआ कि आपने वो विदहोल्ड कर लिया, उसको सपोर्ट को वापस ले लिया। अब 9 साल का ये अनुभव है बच्चे का, एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, जो वो अब एकदम आप विदहोल्ड करोगे तो वो डिस्टरबेंस ही होगी, ये पक्की बात है। अगर वो बच्चा आपका ऐसे ही चलता रहा तो जो फ्यूचर है उसका, उसमें जब वो किसी वक्त आपसे दूर है, अकेली है, हॉस्टल में है, तो वो भीख की तरह मांगेगी कि मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं मिलेगी, सैडनेस, डिप्रेशन, नेगेटिव इमोशन उसको घेर लेंगे। तो वो अभी वक्त है, आपने जो 9 साल में उसको लर्न करवाया है कि इमोशन, इतनी चोट पर इतनी सपोर्ट मिलेगी, उसको अनलर्न करवाना है। तो जब तक वो अनलर्न नहीं करवाओगे, जो आपने रिस्पॉन्स कहा है बच्चे का, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स वही रहेगा, तो आपको अनलर्न करवाना है जो 9 साल में आपने लर्निंग दी है। हाँ ये ठीक है कि अनलर्न करवाना, 9 साल में जो सीख चुका है बच्चा वो अनलर्न करवाना इजी बात नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि 9 साल में उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अब हो चुकी है। आप उसका बिलीफ सिस्टम और क्वेश्चनिंग आंसरिंग करके, थोड़े रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछ के, है ना, जिसको मैं डिफरेंट वीडियो में बताता हूँ, तो वो पूछ के उसकी कॉग्निशन को चेंज कर सकते हो, प्लस आप जो है जो सपोर्ट उनको दे रहे हो, ज्यादा सपोर्ट दे रहे हो थोड़ी चोट पर, उसको कम करना शुरू करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, चेंज आ जाएगा।